सो गाइज, अगर आप लोग भी यूट्यूब पे वीडियोज को अपलोड करते हो और वो भी स्पेशली शॉर्ट्स वीडियोज को अपलोड करते हो, और अगर आप लोगों को एक एरर देखने को मिल रहा है, योर डेली लिमिट हैज बीन रीच, यू कैन अपलोड मोर वीडियोज इन 24 आवर्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि गाइज, ये वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि ये एरर जो है आप लोगों को क्यों आता है, इसको आप सभी लोग किस तरीके से फिक्स कर सकते हो, इसके बारे में सभी जानकारी मैं आप लोगों को ये वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को एकदम कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि यार ये वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ भाषण ही देने वाला हूँ। इसको अगर आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो आप लोग भी अपना चैनल पे अप्लाई करके लिमिट को हटा सकते हो। चलिए हम लोग आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज का शाउट आउट का बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग शाउट आउट करने वाले हैं मिस्टर 1B गेमर YT को। भाई का नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा और साथ ही साथ यूनिक भी है। अगर आप लोगों को भी अपना शाउट आउट कराना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भी शाउट आउट दे सकूँ। अब चलते हैं अपना मेन वीडियो का टॉपिक की तरफ। तो जब से गाइज यूट्यूब ने यूट्यूब शॉर्ट्स को लॉन्च किया है, तब से आप सभी लोग देखते हो कि बहुत सारा यूट्यूब चैनल जो है क्रिएट हुआ है, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरा प्लेटफॉर्म जैसे कि टकाटक हो गया, टिकटॉक हो गया, या फिर रील्स हो गया, वैसा प्लेटफॉर्म वगैरह से वीडियोज़ को डाउनलोड करके डायरेक्टली यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। वैसे में जो है उन लोगों को कंटेंट क्रिएट भी नहीं करना पड़ता है, और साथ ही साथ उन लोगों का जो काम है बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बल्क में बहुत सारा वीडियोज़ को डाउनलोड करके अपलोड कर देते हैं, उसके लिए यूट्यूब जो है उस चैनल पे अपलोड लिमिट लगा देता है। तो जब भी आप सभी लोग कोई न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो तो वहाँ पे जो है शायद से 10 अपलोड लिमिट होता है। ये अपलोड लिमिट कितना होता है, कैसे बढ़ाया जाता है, इस सब पे यूट्यूब ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया हुआ है, और साथ ही साथ एग्जैक्ट नंबर तो बताया ही नहीं है कि कितना वीडियोज आप सभी लोग अपलोड कर सकते हो। तो मैंने जो है जब नया चैनल क्रिएट किया था तो एक दिन में जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 वीडियो ही अपलोड करना मिलता था। और अगर इसको आप लोगों को बढ़ाना है तो आप लोगों को एक दो स्टेप को जो है फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो आप सभी लोग चैनल बनाते ही बहुत सारा वीडियो अपलोड मत कीजिए। मैक्सिमम आप सभी लोगों ने, मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने आज चैनल क्रिएट करा है, तो आप लोगों को मैक्सिमम 10 वीडियो ही अपलोड करना है। और साथ ही साथ जो भी वीडियो आप सभी लोग अपलोड कर रहे हो तो ऐसा वीडियो अपलोड करने का ट्राई कीजिए जो कि यूट्यूब पे पहले किसी ने अपलोड ही ना किया हो। और साथ ही साथ डुप्लीकेट अपलोड को भी अवॉइड कीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक ही वीडियो है, उसको आप सभी लोग 5 बार 10 बार एक ही वीडियो को अपलोड करे जा रहे हो, तो वैसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। उतना करने के बाद जो है एक और मेन स्टेप आप लोगों को फॉलो करना है, वो ये है कि आप सभी लोग तो पहले अपने चैनल का अच्छा नाम रख लीजिएगा, लोगो वगैरह लगा दीजिएगा। उसके बाद जो आप लोगों को एक मेन काम करना है वो ये है कि आप लोगों को जो अपना YouTube चैनल है उसको वेरीफाई कराना है। YouTube चैनल वेरीफाई कराना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जस्ट 1 मिनट का काम है। आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखो, मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। अब जो है गाइस, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत लिमिटेशंस के बारे में बता देता हूँ कि कितना तक आप लोगों का मैक्सिमम अपलोड लिमिट जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इतना क्लियर कर दूं कि यूट्यूब ने इस सभी चीज़ कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। मैंने जो है 3-4 चैनल खुद से क्रिएट किया, उस पर जो है मैंने एक्सपेरिमेंट किया, और जो चीज़ मुझे कंक्लूजन मिला वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जब आप सभी लोग नया यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेते हो तो नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करते ही आप लोगों का जो है सिर्फ और सिर्फ 10 अपलोड लिमिट होता है। उसके बाद 1-2 दिन बाद आप सभी लोग देखोगे तो वो अपलोड लिमिट शायद से 15 हो जाता है। और साथ साथ अगर आप सभी लोगों ने अपना YouTube चैनल को वेरीफाई करा लिया, या फिर YouTube अकाउंट को जो है वेरीफाई करा लिया, उसके बाद जो है 2-3 दिन बाद, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने आज अपना चैनल को वेरीफाई करा दिया, तो 3 दिन बाद जो है आप लोगों का अपलोड लिमिट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। मैंने जो मल्टीपल चैनल्स क्रिएट किया था, एक पे तो अपलोड लिमिट हो गया था 110, क्योंकि मैंने वो चैनल पे 110 से ज़्यादा अपलोड किया था वीडियो, तो वहाँ पे जो है मुझे वैसा ही सेम लिमिटेशंस दिखा रहा था, यानी कि मैक्सिमम 110 तक मेरा जो है अपलोड लिमिट चला गया था। और मैंने दूसरा एक चैनल पे भी सेम चीज़ को अप्लाई किया था, तो वहाँ पे जो है अपलोड लिमिट 55 हो गया था। तो जितना आप सभी लोग अपना चैनल को जेन्युइन बनाओगे, जितना आप सभी लोग अपना चैनल को अच्छा बनाओगे, जैसे कि चैनल का लोगो लगा करके, बैनर लगा करके, अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख करके, और साथ ही साथ अपना इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक वगैरह प्रोवाइड करके, जितना अच्छा तरीके से आप सभी लोग अपना चैनल सेटअप करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों का अपलोड लिमिट हो जाता है।
तो अगर मान लीजिए आप लोगों ने अपना चैनल को वेरीफाई करा लिया, तो वेरीफाई कराने के 2 या फिर 3 दिन बाद ही, मैक्सिमम 1 वीक भी लग सकता है, उसके बाद जो है आप लोगों का अपलोड लिमिट शायद से 100 तक हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आप सभी लोग भी चाहो तो अपने चैनल का अपलोड लिमिट को बढ़ा सकते हो। और गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को चैनल वेरीफाई कैसे करना है। चैनल वेरीफाई करने का जस्ट एक सिंपल स्टेप है गाइज, जिसको कि मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या फिर ऊपर आई बटन में भी लिंक है, या फिर आप सभी लोगों को यहाँ पे वो वीडियो दिख रहा होगा, यहाँ पे भी क्लिक करके आप सभी लोग डायरेक्टली अपना चैनल को वेरीफाई करा सकते हो।